हेलो एवरीवन, मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की शुरुआत हो रही है रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मसाला, तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल डाल के गरम करके लिया है, फिर डाला है तेज़पत्ता और जीरा। वो भुनने के बाद अदरक लहसुन प्याज और डेसिकेटेड कोकोनट ये मैंने भून लिया था, और इसका पेस्ट है। अलग से भी मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और हरी मिर्च और कोरिएंडर भी था उसमें। तो ये अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, भून लेना है बेसिकली, और फिर इसके अंदर हम कुछ ऐड करेंगे सूखे मसाले। हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन कच्चा था ना, तो उसका जो कच्चा रॉ जो स्मेल आता है ना, वो नहीं आना चाहिए तब तक। और हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे, उसकी मदद से मसाला हमारा और जल्दी भूनेगा। और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ हल्दी। इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, घर का मसाला आपके पास जो भी हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लाल मिर्च पाउडर और घर का मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला यूज़ करें। अभी इसे अच्छे से हमें भून लेना है। थोड़ा इसमें मैं पानी ऐड करूंगी ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छे से बाइंड हो और जले भी ना। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 किलो चिकन। उसके साथ मैंने एक टमाटर भी कट करके लिया है, वो भी ऐड करूँगी। अब इसे हमें 5 मिनट ऐसे ही भूनना है, पानी ऐड नहीं करना है। 5 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब 5 मिनट तक मैंने अच्छे से चिकन भून लिया है मसालों के साथ। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप पानी ऐड करूंगी, फिर से एक बार अच्छे से मिला लूंगी। एक बार मिक्स हो जाए तो ऊपर मैं एक ढक्कन रख के उसके ऊपर फिर से पानी ऐड करूंगी। तो एक 5-10 मिनट के बाद हमें इसका ढक्कन निकाल लेना है। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप इसके अंदर पानी ऐड करना। लगभग पानी ऐड करने के बाद है ना, हमें इसे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेना है। चाहिए तो जल्दी है तो आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हो, लेकिन चिकन कभी भी है ना लो फ्लेम पे पकाओ तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्राई चिकन की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, उसके अंदर मैंने दही ऐड किया है खटास के लिए, और थोड़ा लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, स्वादानुसार नमक। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी। इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी वाइट पेपर का क्रश, अब ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, लाल मिर्च पाउडर, ये चिकन तंदूरी मसाला है वो ऐड किया है। अब सारे मसाले चिकन को अच्छे से कोट होने चाहिए, तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर जल्दी हमें है तो रेसिपी जल्दी बनानी है तो तुरंत भी फ्राई कर सकते हो, अदरवाइज ये ओवरनाइट अगर आप मैरिनेट करके रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। या 5-6 घंटा, 1/2 घंटा, जितना आपके पास टाइम हो तब तक आप इसे मैरिनेट करके रखें। तो ये चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन तंदूरी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने दही लिया था, और उसके अंदर काजू, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, फिर मैंने ऐड किया लाल मिर्च पाउडर, वाइट पेपर क्रश डाला है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी। अब जाएगा इसके अंदर नमक, उसके बाद ऐड करूंगी चिकन तंदूरी मसाला। चिकन तंदूरी मसाला ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। बाइंडिंग के लिए हमें कुछ तो चाहिए, तो बाइंडिंग का काम करेगा बेसन। इसे आप भून के भी डाल सकते हो, मुझे थोड़ा जल्दी था इसीलिए मैंने कच्चा ही ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हमें ऑयल या बटर का यूज करना है, तो मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 चम्मच। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये जो पूरा हमारा जो मसाला पेस्ट रेडी है, हमें होल चिकन के ऊपर इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, वो लगभग 1.5 किलो के आसपास है। अब इसके ऊपर और अंदर के तरफ मैंने पूरे कट्स मार के लिए हैं। अब ये मसाला चारों तरफ अच्छे से हमें लगा लेना है। तो आप भी इसे मैरिनेट कर सकते हो, चाहो तो तुरंत भी बना सकते हो, लेकिन मैं मैरिनेट कर रही हूँ। ये सब प्रिपेयर मैं रात के खाने के टाइम के लिए कर रही हूँ, तो ये सब मैं जो तैयारी है मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो वही अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
चिकन को मसाला अच्छे से कोट करने के बाद इसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि वो फ्रिज में अच्छे से बैठ पाए, और इसे ढक्कन लगा के मैं मैरिनेशन के लिए लगभग 5 से 6 घंटा रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने वेज पिज्ज़ा भी आज प्रिपेयर किया है। मेरे पास चीज़ स्लाइस है इसीलिए मैं चीज़ स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर चीज़ होता तो इसके ऊपर मैं कद्दूकस करके डालती तो ज़्यादा टेस्टी बनता, लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसी में मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ क्योंकि कुछ प्लान नहीं था, ऐसे बन गया। और एक साइड में मैं बना रही हूँ राइस नूडल्स, तो पिज़्ज़ा के लिए सब्ज़ियाँ कट कर ली थी तो सोचा कि चलो लगे हाथ राइस नूडल्स भी बना लेती हूँ। तो आज के दोपहर का हमारा खाना, मैं नूडल्स खाऊंगी, चंदन पिज़्ज़ा खाएंगी क्योंकि चंदन को नूडल्स पसंद नहीं है। तो ये रहा हमारा वेज पिज़्ज़ा, एकदम रेडी है। मैंने ब्रेड भी, मतलब बेस जो है वह घर पे ही बनाया था, और ये पिज़्ज़ा काफ़ी इजी है बनाने में और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब मैं खाना अपना खा लेती हूँ दोपहर का, जो मेरे लिए मैंने बनाए थे राइस नूडल्स। सच कहूँ तो मुझे इतना खास इसका टेस्ट नहीं लगा, और चंदन अभी पिज़्ज़ा कट कर रहे खुद के लिए। और अब मैं जा रही हूँ चिकन फ्राई करने के लिए। तो उसके लिए मैंने जो चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया था उसके अंदर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे शैलो फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो एक बार प्लेस करने के बाद एक साइड से हमें अंदाजन 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पका लेना है, फिर हमें इसे टर्न करना है और फिर 5 से 7 मिनट इसे फिर से लो फ्लेम पे पका लेना है, तो चिकन अंदर से अच्छे से कुक हो जाएगा। अगर डीप फ्राई कर रहे हो तो कम टाइम में डीप फ्राई हो जाता है, और पीसेस भी काफ़ी बड़े हैं तो इसीलिए मैं 7 से 8 मिनट अंदाज़ा आपको बता रही हूँ। तो 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं, अब इसे मैं टर्न कर लूँगी। एक साइड से वो अच्छे से पक गया है, अब ये दूसरे साइड से भी हमें इसे अच्छे से पका लेना है। और ये हमारे फ्राइड चिकन एकदम खाने के लिए रेडी है। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ट्रे। तो ट्रे को मैं एल्यूमिनियम फॉइल लगा ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है तो क्लीन करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है, और अभी इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ चिकन, होल चिकन, और ऊपर से थोड़ा सा मैं ऑयल स्प्रे कर रही हूँ ताकि उसके ऊपर जो अच्छे से जो गोल्डन मार्क्स आते हैं वो आए। तो 1.5 किलो का चिकन पकने में लगभग 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक मुझे तैयारी करनी है ग्रीन चटनी बनाने की। तो ये जो मैंने कल कोरिएंडर के नाम पे जो पार्सले लेके आई हूँ ना, इसी से बनेगी हरी चटनी, जिसमें जाएगा दही, हरी मिर्च, नमक, लहसुन, शुगर और जीरा। बहुत टेस्टी बनती है ऐसी चटनी, ज़रूर ट्राई करना आप भी। जो भी खाना बनाना था वो सारा बन चुका है, सिर्फ लास्ट का जो चिकन है, होल चिकन, वो बेक हो रहा है। फिर उसके बाद पार्टी स्टार्ट। पता है क्रिसमस हो चुका है लेकिन लेट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही कभी इतना मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करने में मैंने मतलब कभी किया नहीं है। यहाँ पे आए हैं तो सोचा कि चलो कर लेते हैं जैसा देश वैसा भेस। और ये चिकन तंदूरी भी रेडी है। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।